हेलो गाइस, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से आ गए अलग और नया एक्सपेरिमेंट लेके आपके साथ। आज हम एक नहीं लेकिन एक साथ 3 से 4 एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम आज अलग और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज हम अनार और कहीं और चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो देखने के लिए आप तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं और नई नई चीज़ें होती है वो आप तक पहुंच पाएँ और आप उनमें से कुछ नया सीख पाएँ और देख पाएँ कि ये जो चीज़ें हैं वो कितनी खतरनाक है, ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट तो घर पर ट्राई नहीं करना है, लेकिन हम आगे बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो घर पर और क्या नहीं। तो आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो घर पर ट्राई नहीं करना है, हम करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर। गाइस, मेरे पास है ये चक्री और आज हम क्या करेंगे, इस चक्री को इस बाल्टी में भरे पानी के ऊपर हम घुमाएंगे और देखेंगे कि ये जो चक्री है वो इस पानी के अंदर कैसे घूमती है। और हमारे पास एक और रॉकेट भी है, इस रॉकेट को भी हम इस पानी के अंदर उल्टा ऐसे इस पाइप की मदद से डालेंगे और देखेंगे कि ये जो रॉकेट है वो पानी के अंदर क्या करता है। और स्काई शॉट होता है, उसको भी उल्टा इस बाल्टी के अंदर जलाएंगे और देखेंगे कि स्काई शॉट सीधे की जगह उल्टा पानी में अपना कितना असर करता है। गाइस, बिना टाइम वेस्ट के हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। मैं इस चक्री को रखूंगा इसके ऊपर और फिर देखेंगे कि ये जो चक्री अपना कितना पावर दिखाती है। हमने ज़्यादा पानी नहीं लिया, ये बाल्टी लिया, क्योंकि ये जो बाल्टी है इसकी बॉर्डर से ये चक्री बाहर नहीं निकलेगी और चक्री अच्छे से काम करेगी। मैंने इस चक्री को पानी के ऊपर रख दिया और अब मैं लगाता हूँ इस पावर, देखते हैं ये क्या करती है। गाइस, ये जो चक्री है वो जलाने के बाद घूमी तो सही, लेकिन ये पूरी नहीं घूम पाई, क्योंकि इसमें जो दो पार्ट होते हैं इसको जलाने के लिए, तो उनमें से क्या हुआ कि जब पहला वाला अपनी ताकत से घुमा तो दूसरे वाले तक आग नहीं पूछ पाई, क्योंकि ये जो फ्यूज था वो पानी की वजह से गीला हो गया और ये जो चक्री का जो दूसरा पार्ट था वो नहीं जल पाया, तो चक्री ठीक से काम नहीं कर पाई। लेकिन ये जो पानी है उसको बिल्कुल ही काला कर दिया है, क्योंकि उसके जो स्पार्कल्स का पाउडर था उसकी वजह से पानी ब्लैक कलर का हो गया है। गाइस, मैंने इस रॉकेट को कुछ इस तरीके से फिट कर दिया है ताकि ये जो रॉकेट है हम इस तरीके से जला सके और फिर इस पानी के ऊपर रख सके, ताकि ये जो रॉकेट है वो पानी के अंदर जा सके और अपना पावर दिखा सके। हमने हल्के से इसको लगा दिया है ताकि ये जो जब प्रेशर देगा तो यार पाइप से निकल सके। तो अब मैं इस पाइप को थोड़ा सा अंदर डुबो देता हूँ और फिर मैं इसको जलाऊंगा और देखते हैं ये जो रॉकेट है पानी के अंदर जा पाता है या नहीं। गाइस, आप देख सकते हैं कि इस पाइप से धुआं निकल रहा है और ये जो रॉकेट था वो अपने ताकत से इस पानी में चला गया और ये यहाँ पे तैर रहा है, पूरा नहीं डूब रहा और पूरा बाहर भी नहीं आ रहा, लेकिन ये जो रॉकेट है इसने अपना बहुत ही पावर दिखाया और इस पाइप से होके इस पानी में गया और ये जो रॉकेट अंदर गया तब इस पानी को भी पूरा हिला दिया और उसमें बुलबुले उठे थे और ये जो पानी था पहले से बहुत ज़्यादा काला हो गया। आप देख सकते हैं कि ये पानी बिल्कुल ऑयल की तरह हो गया है, यानी कि ये जो रॉकेट था इसने अपना बहुत पावर दिखाया और ये जो रॉकेट था वो काफ़ी पावरफुल था और इस पाइप से निकल के भी इसमें आ गया, यानी कि ये जो रॉकेट था बहुत ही ताकतवर था और पानी में भी गया, अपनी पावर दिखाई। रॉकेट पानी में तो गया लेकिन ये जो बाल्टी थी इसके नीचे तक नहीं गया और बाल्टी को कुछ नहीं कर पाया। तो हम क्या करेंगे, इसको अब अलग लेवल पे ट्राई करेंगे और इसके ऊपर उल्टा स्काई शॉट लगाएंगे और स्काई शॉट तो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, तो वो जो स्काई शॉट है वो इसका बाल्टी का क्या हाल करता है वो हम देखेंगे। तो मैं जल्दी से स्काई शॉट इसके ऊपर रख के फिर जलाता हूँ। गाइस, मेरे पास है स्काई शॉट और हमने कुछ अलग तरीके से फिक्स कर दिया है और वो जो स्काई शॉट है वो इस तरीके से हमने फिट कर दिया है। ये जो इस तरीके से स्काई शॉट होता है वो सीधा होता है, लेकिन हमने इसको पानी के ऊपर जलाने के लिए उल्टा कर दिया और हम जब इस फ्यूज को आग लगाएंगे तो इसमें से जो
स्पार्कल से वो निकलेंगे और इस पानी में जाएंगे। और ये जो स्काई शॉट है हम पानी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे ये जो स्काई शॉट है वो पानी में जाकर अपना कितना कमाल दिखाता है। मैंने इसको अच्छी तरीके से पकड़ लिया और अब ये जो है स्काई शॉट पर आग लगाएगा और स्काई शॉट अपना कमाल दिखाएगा। गाइस ये जो स्काई शॉट था वो अपना कमाल दिखाया है और इस पानी को भी बहुत हिला दिया और इसमें भी ये जो स्काई शॉट पटा सब बुलबुले हुए और ये धमाका नहीं कर सका, लेकिन स्काई शॉट ने अपना पावर तो दिखाया और इसमें से अभी धुआं निकल रहा है, गर्म नहीं है लेकिन धुआं काफ़ी निकल रहा है आप देख सकते हैं। और ये जो पानी था इसको बिल्कुल ही ब्लैक कलर का कर दिया है तीनों ने मिल के। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो बिल्कुल ही ऑयल की तरह हो गया है। अब हम इस पानी को खाली करके देखते हैं कि इसमें रॉकेट, स्काई शॉट और चक्री थी, उन तीनों को हमने जलाया है तो इस पानी की क्या हालत हुई और बाल्टी के नीचे क्या जमा हुआ है वो हम देखेंगे। तो जल्दी से मिस अंदर के पानी को खाली करता हूँ। गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ब्लैक कलर का गिर रहा है अंदर से। गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे था वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर का है, जो कि रॉकेट और चक्री और स्काई शॉट के अंदर जो पाउडर होता है उस पाउडर की वजह से हुआ है। गाइस आपने देखा कि ये जो चक्री, रॉकेट और स्काई शॉट थे वो तीनों ने कितना कमाल दिखाया और बाल्टी की क्या हाल हुई। तो आपको मज़ा आया होगा वीडियो में। आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट भी करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और हम मिलेंगे आपको नए वीडियो में कुछ नया और कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट लेके। तब तक के लिए जय हिंद।